Stano Star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम सीखने वाले हैं क्षण, क्षण और सन आंकड़े का प्रयोग। तो आज इनको हम सीखेंगे कि इनका हम जो है और किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत से शब्दों के अंत में क्षण, क्षण, सन आदि शब्दांश आते हैं। नए आंकड़े के समान एक बड़ा आंकड़ा शब्दों के अंत में लगाने से क्षण, क्षण और सन लगा हुआ समझा और पढ़ा जाता है। देखिए, हम मान लीजिए कै में यदि न को लगाते हैं, न का आंकड़ा है, यदि इसी न के आंकड़े को थोड़ा सा बढ़ाकर हम लगा देंगे अंत में, अंत की बात चल रही है और न का आंकड़ा अंत में ही लगता है, ठीक है, तो क्या होता है उस कंडीशन में हम इसको जो पढ़ेंगे क्षण पढ़ सकते हैं, क्षण पढ़ सकते हैं और सन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, तीन चीज़ हम पढ़ेंगे। तो ये बात आपकी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके अंत में भी स्वर आने से ये पूरा लिखा जाता है। देखिए, मान लीजिए हमें लिखना है आन, ठीक है, तो आन में क्या होता है, देखिए आन अभी मैं समझाऊंगा, दोनों तीनों तरह से समझा देता हूँ। यहाँ पर आन को हम सब्जेक्ट के रूप में मानेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, सॉरी आन नहीं, कान मानेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर वर्ब हो जाएगी तो हम आना आनी भी कर सकते हैं और स्वर शुरू में स्वर आ रहा है तो इसको नहीं मानेंगे, ठीक है, कान मानेंगे, मान लीजिए, है ना। यदि हमें लिखना है कान और का और का पा की मात्रा और ना कान, हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यदि कान के पीछे ई की मात्रा आए, ठीक है, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, इस का को और ना को भी पूरा बनाकर मात्रा लगाते हैं, क्योंकि इस का पे तो मात्रा लगा सकते हैं हम, लेकिन इस ना के बाद आने वाली मात्राओं में क्या होता है, व्यंजन को पूरा बनाना होता है। तो यही कंडीशन इसने यहीं पे की है कि यदि स्वर आए अंत में तो क्या होगा, उस कंडीशन में हम इसको क्षण और क्षण को जो क्या करेंगे, पूरा इस या तो छः बना के न लगा लेंगे, जैसे भी हम क्षण या क्षण सन लिख सकते हैं, स बना के न लगा सकते हैं, तो उस तरह से हम लिख सकते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए इनके लगाने के यह नियम हैं, कौन कौन से, पहला नियम, वक्र व्यंजन के अंदर अंत में नए आंकड़े को बढ़ाकर यानी कि थोड़ा बढ़ा देते हैं लगाया जाता है, जैसे कि मिशन। अब देखेंगे, देखिए वक्र रेखा में हमें पता है नए यदि वक्र रेखाओं में लगता है तो वो हमेशा गड्ढे की, मान लीजिए गड्ढे की तरफ लगता है, तो गड्ढे की तरह इधर, तो हमने नए को इधर लगाना ही तो सीखा था, तो बस इसी को बस नए वाले को थोड़ा बढ़ाना है, तो क्या कर लेंगे, मैं बना लेंगे, मैं के बाद हम इसको थोड़ा सा नए को बड़ा कर लगा लेंगे, यदि हम छोटा करके लगाएंगे तो ये नया पढ़ा जाएगा और हम इसको इस तरह से लगाएंगे तो ये तय पढ़ा जाता है। तो काफ़ी सारे रूल्स हमने जो है पढ़ रखे हैं, तो अब समझेंगे। अब यहाँ पर ई की मात्रा है, तो पहले तो पढ़ा जाएगा आपका मी, सॉरी मैं पर ई की मात्रा पड़ जाएगी मी, क्योंकि ये जो मात्रा लगी है इसने कहा यदि स्वर इस सन के स्वर के बाद में आएगा तो उस कंडीशन में मैं पूरा लिखना हुआ, तो कहीं ना कहीं ये मात्रा मैं पे पड़ जाएगी, तो मैं ई मी और इसको न को जो हम बढ़ाकर तीन चीज़ पढ़ते हैं उसमें से हम सन को पढ़ लेंगे तो मिशन हमारा ये हो जाएगा। आप क्षण भी पढ़ सकते हैं और क्षण भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमने मिशन पढ़ना है तो हम मिशन इसको सन ही पढ़ेंगे, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सेशन, सा लिखेंगे और श को में हम इस तरह से ना को थोड़ा बड़ा करके लगा लेंगे, आपको दिख रहा होगा, तो ये सेशन पढ़ जाएगा, पहले स फिर से एक ही मात्रा से और ये जो हमारा सन पढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर एक ही मात्रा लगाई हुई नहीं है और आपने लगा दी है, तो आप मात्रा नहीं भी लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यदि हमारा फर्स्ट लेटर, व्यंजन का फर्स्ट लेटर यदि अक्षर लाइन पर बनता है तो एक ही और ओ की मात्रा उस पर स्वयं पड़ जाती है, तो ये लाइन पर बनना है तो एक ही एक ओ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है, इसलिए यहाँ पर एक ही मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप मात्रा लगा भी सकते हैं, अन्यथा इसके लिए रूल हैं और उन रूल पर मैं जो है वीडियो काफ़ी पहले ही बना रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है दर्शन, तो देखिए दर्शन लिखने के लिए द में र दर और नीचे हम सन को लगा देंगे, तो सबसे पहले द पढ़ाएगा फिर उसमें लगने वाला र और ये जो बड़ा हमने थोड़ा लगाया आपको दिख रहा होगा, है ना, तो ये सन, क्षण और क्षण पढ़ा जाता है, तो ये दर्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पर भी हम इसको ना ही पढ़ेंगे, ना, ठीक है, यानी कि सन पढ़ेंगे, तो ये बात आपकी समझ में आ गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर समझने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ल, यानी कि ल ऊ का मतलब है ऊपर की ओर बनने वाला ल, तो ऊपर की ओर ल हम इस तरह से बनाते हैं, नीचे के इस तरह से, तो ऊपर वाले पे समझेंगे कि ये कंडीशन जो अप्लाई होती है ऊपर बनने वाले ल पर होगी, ठीक है। तो ल के साथ जब कै वर्ग आता है, ल के साथ कै वर्ग, मान लीजिए कै वर्ग के कै खै कै घै कोई आता है ल के साथ, तो यह ऊपर लिखा जाता है। अब ऊपर लिखा जाता है समझेंगे इसको, देखिए लिखना है लक्षण, तो ल के साथ क्षण आ रहा है, जबकि लक्षण में हम इसको पढ़ लेंगे, तो देखिए ल के साथ कहा गया लक, ठीक है, और जब हम इसको लगाएंगे तो इस तरह से हम इसको इस तरह से नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसने एक कंडीशन कही है, यदि ले आएगा और ले के साथ कै वर्ग का कोई अक्षर आएगा तो उस कंडीशन में हम इसको नीचे की ओर नहीं लगाएंगे बल्कि ऊपर की ओर लगाएंगे इस तरह से, तो आपको यहाँ एग्जांपल में भी दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा होगा, तो इस तरह से होता है। तो ये रूल है कि ले के साथ यदि आएगा तो हम ऊपर की ओर लगाएंगे, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको जो है हम छोटा कर लेते हैं और थोड़ा स्पीड से भी पढ़ने का जो है हम प्रयास करते हैं, है ना। तो चलिए तीसरे नंबर को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जब यह सरल व्यंजनों में लगता है
तो जिस तरफ सरल व्यंजन के प्रारंभ में वृत्त या आंकड़ा रहता है उसके दूसरी तरफ यह आंकड़ा लगाया जाता है क्योंकि इसमें सुविधा होती है। देखिए इस बात को समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू तो लिखा हुआ है स्टेशन, हम यदि स्टेशन लिखते हैं तो देखिए स टे टप ए की मात्रा और श न स्टेशन, ठीक है। अब क्या कहना चाहता था, देखिए ये जो आंकड़ा हमारा लगा हुआ है किस ओर लगा हुआ है, इस ओर शब्द पे, ठीक है। तो हम सन और क्षण का जो लगाएंगे वो हम इस ओर लगाएंगे, ये बात आपकी सुन में, यानी कि इसकी ऊपर वाले व्रत और आंकड़े की विपरीत दिशा में हमें क्षण और क्षण और क्षण की छाप को जो है लगाना है, इसके आंकड़े को लगाना है। तो ये बात समझ में आ गई होगी ना आपकी। चलिए तो दूसरा पढ़ते हैं, लिखा हुआ है घर्षण। तो घर्षण लिखने के लिए घ और घर, अब र हमारा इस ओर है तो हम क्षण को ऊपर की ओर बनाएंगे, इस ओर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा अब थोड़ा बड़ा होगा, देखिए र में और घ में उसमें अंतर दिख रहा है ना क्षण में, इसको काट लेंगे तो घ हो जाएगा, घर घर और क्षण और क्षण और क्षण जो है हम तीन चीज़ पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्षण पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका घर्षण हो जाएगा, ये बात आपकी समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं सुभाषण। तो देखिए स बनाएंगे भय बनाएंगे और स इस ओर है, इस वाली ओर है तो हम इसको इस वाली ओर मोड़ देंगे, पेन आपको नहीं हटाना, मैं समझाने के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। स पे ऊ की मात्रा कहाँ लग जाएगी, बाद में, क्योंकि स के बाद ऊ की मात्रा पड़ जाएगी, फिर भय पड़ाएगा सुभ है, भय पे आ की मात्रा सुभा, ठीक है। और ये क्षण और क्षण की जो है हमारी चाप है, तो यहाँ पर हम क्षण इसको पढ़ेंगे तो सुभा क्षण हमारा हो जाएगा, ये बात आपकी समझ में आ गई है ना। चलिए फोर नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। तो फोर नंबर में लिखा हुआ है शब्द के दूसरे सरल व्यंजनों में सबसे आखिर की मात्रा की विपरीत दिशा में लगाया जाता है, इसको समझते हैं। एग्जांपल से लिखा हुआ है भाषण, देखिए भ, ठीक है, भ और श और न, तो भ। अब इसने कहा है शब्द के दूसरे सरल व्यंजनों में, सरल व्यंजनों की बात चल रही है, सबसे आखिर की मात्रा जो होती है तो उस आखिर की मात्रा के जो है विपरीत लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो ना की तरह भी लगा है, कोई दिक्कत नहीं, और मात्रा है तो मात्रा की विपरीत दिशा में लगाया आपको दिख रहा है, तो भय आभा और क्षण और क्षण हम इसको पढ़ लेंगे, तो भाषण हमारा ये हो जाएगा। इसको समझते हैं, किशन लिखा हुआ है तो क और यहाँ सन की जो है हमारा क्या आंकड़ा लग गया, क क पे ई की मात्रा है, तो जब क पे ई की मात्रा है तो इसको हम इस तरह से नहीं करेंगे अब, ठीक है, इसको इस तरह से नहीं लगाएंगे, तो क्या होता है उसकी उस जो अंतिम मात्रा होती है उसकी विपरीत दिशा में लगाते हैं, तो उसकी विपरीत दिशा तो ऊपर होगी ना क्योंकि मात्रा नीचे है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका, तो क पे की मात्रा की और क्षण और क्षण और क्षण, ये तीन चीज़ पढ़ाया जाता है, तो सन यहाँ पढ़ेंगे तो किसन आपका ये हो जाएगा। ऐसा ही है कुसन, तो क और यहाँ पर लगा देंगे चाप, थोड़ी बड़ी करके लगती है आपको दिख रहा होगा, क अभी ज़्यादा बड़े आपको नहीं बनाने, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़े में फिर कुछ और पड़े जाते हैं, क्या क्या पोखी मात्रा हो जाए कु और सन की चाप ये रही, तो ठीक है, देखिए मात्रा नीचे है तो आंकड़ा हमने ऊपर की ओर लगाया है, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं भूषण लिखा हुआ है, तो भय बनाएंगे और क्षण के चाप लगा देंगे, भय भय की मात्रा भू, अब देखिए ये अंतिम मात्रा है ना, तो अंतिम मात्रा किधर है, इधर, तो हम आंकड़े को किस ओर लगाएंगे, इस ओर, ठीक है। तो कहीं भी हो मात्रा यदि दूसरी तरफ होगी तो हम दूसरी तरफ लगाएंगे, ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो चलिए साथियों फाइव नंबर को समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कभी कभी यह सन, यानी कि जो हम आंकड़ा सीख रहे हैं वो सन आदि का आंकड़ा बीच में भी आता है, उस समय उसमें स्वर नियमानुसार अगले व्यंजन के पहले लगाया जाता है, ठीक है। तो समझते हैं इस बात को, देखिए मान लीजिए हमने सीखा था, जैसे कि हमें लिख लेता हूँ यहाँ कसा कसा कसाग लिख लेता हूँ, ठीक है। यदि हमें क्या होता था कैसे कै, ठीक है, कैसे सपा की मात्रा जो लगेगी हमारी साप जो आ की मात्रा है वो अगले व्यंजन से पहले लगती थी, तो अगले व्यंजन में पहले आ की मात्रा और आ की मात्रा फर्स्ट पोजिशन पे लगती है तो हम पहले लगा देते थे ऊपर, ठीक है। एक ही होती तो यहाँ, एक ही होती तो यहाँ, क्योंकि हमें पता है कहाँ कर लगती हैं, ठीक है। तो बस यही बात इसने कही है, ये सन वाला आंकड़ा दो व्यंजनों के बीच में आएगा तो जो जब बीच में आएगा तो ये वाला व्यंजन तो छोड़ देंगे, उस पर जो अगला व्यंजन जुड़ने वाला है उसके ऊपर या उससे पहले यदि ये है तो पहले ये माना जाता है, पहले मात्रा लगा देंगे और अपने स्थान पर लगा देंगे, ठीक है। पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है खुश नसीब ख, ठीक है। अब देखिए कै को काट देंगे, खा हो जाएगा, इसको बाद में काटेंगे, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको पहले से काट के, ठीक है। तो ख, अब देखेंगे इसमें यदि न को हम बड़ा करके जोड़ देते हैं तो स और न स्वयं जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कसन, अभी समझेंगे स, स के बाद हम व, अब देखेंगे ख को काट देंगे हो जाएगा ख, ख पर ऊ की मात्रा यहाँ पर नहीं लगाई हुई है, आप चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था, शायद इसी वजह से नहीं लगाई है, ठीक है, स्वयं हम समझ जाएंगे। तो खू और स उन्हें एक साथ जुड़ गया खुशन, क्योंकि न के आंकड़े को बड़ा कर देने से तीन चीज़ जुड़ जाती हैं, तो खुशन हो गया, खुश न और स, स पर ई की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे, अगले व्यंजन से पहले, और अगला व्यंजन है ब, तो इससे पहले लगेगी कहाँ, इधर लगेगी, और है कहेंगे मात्रा ई की, और ई की कहाँ लगती है, तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर यहाँ लगा देंगे, तो खै खै पे ऊ खू स न सन और न खुशन हो गया, खुश न स स पे ई की मात्रा ई सी और बै खुश नसीब आपका पूरा पढ़ा जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए एक बात और समझते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया था खुश नसीब, ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर एक बात आप समझिए, देखिए यहाँ पर इसने कहा था यदि सन बीच में आए और उनके बाद यदि मात्रा आए तो क्या करते हैं हम,
पहले जो अगला व्यंजन होता है उसे पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर सन के बाद कोई मात्रा नहीं आई थी तो सिंपल टॉपिक था, स के बाद मात्रा आई थी तो स के बाद तो हम वैसे भी स्वयं यहाँ लगाते हैं। यदि इस पर कोई मात्रा होती तो हम कहाँ लगाते, तो हम उस कंडीशन में स को पूरा बनाते तब स पर मात्रा लगाते, ठीक है। और यदि इस ब के बाद कोई मात्रा होती तो पीछे लगा लेते। तो पूरा टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है किशन पाल, तो देखिए कै चादे मत बड़ा बनाइए क्योंकि बड़े से कुछ और पढ़ते हैं, मैं समझाने के लिए बड़ा बना रहा हूँ। जो आपको चमक जाए बना तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो कै और कै में कोई बड़ा कर देंगे न के आंकड़े को तो स न सन जुड़ जाएगा, पै उल्लै कै के पे की मतलब की, स न सन एक साथ पढ़ा जाए किशन, पै पे पा की मतलब पा उल्लै पाल, तो किशन पाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था, बड़ा जो है ईजी था, आपके समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, उनको भी जो है राहत मिलेगी इसे सीखने के बाद। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही जय हिंद, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।